नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 29 दिसंबर 2020 के बारे में। 29 दिसंबर 2020 एनर्जी अपडेट क्या कहता है आप सभी के लिए, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको सावधानी रखनी है, कैसा आपका दिन जाएगा और क्या आपको एक अचूक उपाय करना है जिससे कि ये दिन आपका और भी ज्यादा शानदार हो जाए। 29 दिसंबर 2020 अगर हम कैलकुलेट करें यहां पर, तो पहला नंबर जो आता है हमारे पास 9 + 2 = 11, नंबर 2 आता है यहां पर हमारे पास। और इसके बाद अगर कंबाइंड कैलकुलेशन किए जाए तो 4, 5, 7 और 8, 9, नंबर 9 यहां पर निकल के आता है। नंबर 9 जो है वो आपका मंगल का नंबर है, नंबर 2 जो है आपका वो चंद्रमा का नंबर है। कल का दिन भी अगर हम देखें तो मंगलवार का दिन है यहां पर, और साथ ही साथ ग्रहों और नक्षत्रों के कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो ये जो दिन रहेगा ये थोड़ा सा डाइसी दिन रहेगा आपका। डाइसी इन द सेंस कि अप एंड डाउन, मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला यहाँ पर दिन रहेगा। आधे दिन में आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, और आप बिना सोचे बिना समझे उन कामों में लग जाएंगे और वो काम आपसे पूरे भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। आपकी एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं जब सुबह आप उठेंगे तो। जी हाँ, जब सुबह आप उठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा कि आज आप सारे काम कर पाएंगे और सारे कामों को आप शेड्यूल भी कर लेंगे, बट दिन खत्म होते होते वो काम आपके ख़त्म नहीं हो पाएंगे और टाइम कब कहाँ और कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, देख लीजिएगा दोस्तों, मंगलवार का ये जो दिन है 29 दिसंबर 2020 का ये जो दिन है ये आपके लिए कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर लेके आता है, जिसमें आपको ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि ये दिन निकल कैसे गया, ये दिन बड़ा जल्दी फ्लक्चुएट हो गया। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और जितना हो सके अपने आप को शांत रखें ताकि ये दिन आपका अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा खराब दिन यहाँ पर ना जाए। एनर्जी में आपकी फ्लक्चुएशन बना रहेगा तो वहाँ पर आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है इस बात का ध्यान रखिएगा, और दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। खासकर आधे दिन के बाद का समय जो है वो आपको आराम से निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम ना उठा ले इस बात का ध्यान रखिएगा, और किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम बिल्कुल भी मत करिएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग उकसाने का काम कर सकते हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपको उकसाने का काम किया जाएगा और आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को फ्लक्चुएट करके वहाँ पर सामने वाले को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर बात बिगड़ सकती है। कोशिश करिए आप अपने काम पर ध्यान दें, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दें और आप अपने आप को बैलेंस रखने पर ध्यान दें, किसी भी तरह से किसी को भी दिखाने का काम मत करिएगा। दूसरी चीज, देश और विदेश में भी अगर यहां पर देखें तो ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं डाइसी, जैसे मैंने कहा, कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी चीज के अंदेशे यहां पर बाहर निकल के आ सकते हैं। कहीं कोई स्पेशली जो मैं देख पा रहा हूं कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर देखिएगा आप तो वेस्ट और साउथ की तरफ कुछ होने की हलचल हो सकती है, कुछ नई चीज यहां पर बात आ सकती है, कुछ नए अपडेट आ सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर बनते हैं जिनका भविष्य में कोई गलत रिजल्ट भी निकल सकता है। जी हाँ, तो साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में कुछ यहाँ पर घटनाएं घट सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ आप सभी को गाड़ी चलाते समय भी सावधानी रखनी है, स्पेशली शाम को 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच में अगर आप ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शाम को 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक के बीच में आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है, और इसके अलावा अगर आप कहीं पर जा भी रहे हैं, बाय वॉक भी जा रहे हैं, तो कोशिश यही रखिएगा, दिमाग में यही रखिएगा कि पाँव में चोट वोट ना लग जाए, कहीं कोई हल्का सा भी टच रिस्क ना लेके आराम से अपने टाइम को निकालिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर अब अगर हम राशियों की बात करें दोस्तों, तो राशि में आप देखिएगा मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेष राशि वालों को काफ़ी ज़्यादा संयम रख के चलना है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रख के यहाँ पर चलना है।
इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कर्क राशि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कर्क राशि वालों को भी थोड़ा सा संभल के यहाँ पर चलना होगा। वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है, कन्या राशि वालों को भी थोड़ा सा यहाँ पर संभल के रहना है और साथ ही साथ मकर राशि वालों को भी ध्यान रखना है। बाकी राशियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बाकी सभी के लिए समय ठीक है। अगर यहाँ पर हम नंबर्स की बात करें दोस्तों तो नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9, इनके लिए समय जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला यहाँ पर हो सकता है, इन्हें थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। अगर हम अल्फाबेट्स की यहाँ पर बात करें तो अल्फाबेट्स में आप देखिएगा एफ फॉर फ्लावर, एफ अल्फाबेट्स वालों को ध्यान रखना है। टी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, टी फॉर टाइगर, टी वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ई फॉर एलिफेंट वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो के और बी, ये दो लेटर हैं, इन्हें भी थोड़ा सा संभल के रहना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी को भी, और ये समय जो है आपका सभी का आराम से निकल जाएगा। एक दिन की बात है, एक ही दिन की कैलकुलेशन है, तो इसीलिए अब आपको पता चल चुका है कि अब आपको कहां पर सावधानी रखनी है और कैसे क्या करना है। आइए अब हम बात करते हैं एक अचूक उपाय की, एक ऐसा उपाय जिसके करने से आपका दिन और भी अच्छा निकल जाएगा, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो बैलेंस रहेगा, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्योतिषन वास्तु लिखिए टेलीग्राम पर, जाइए और ज्वाइन कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ कोई और भी चीज का अगर अपडेट देना होता है तो मैं तुरंत आपको वहां पर दे देता हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो मेरे द्वारा बताए गए सारे के सारे जो उपाय होते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होते हैं, इनका किसी भी तरह से तंत्र और टोटकों से कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए इन उपायों को करने से पहले निसंकोच रहें और अपने मन को शुद्ध रखें, मन को बिल्कुल भी डाइसी मत रखिएगा आप भी, और जितना पॉजिटिव होकर आप ये उपाय करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको इसमें जरूर से देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से इन उपायों को करना है। मंगलवार के दिन 29th of December 2020 के समय आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है और उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको हनुमान जी की पूजा तो जरूर से करनी है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और नॉर्मली हनुमान जी की पूजा करनी भी चाहिए, पर स्पेशली मंगलवार के दिन आपको अगर हनुमान जी की पूजा मिल जाती है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा लाल कलर का टीका, चंदन का या कुमकुम का, दोनों का ही चलेगा, लाल टीका अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे चंदन हो, चाहे केसर हो, चाहे कुमकुम हो, बट लाल कलर का होना चाहिए और लाल कलर का टीका आपके माथे पर लगा होना चाहिए। थोड़ी देर लगाइएगा, उसके बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना है और हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप लाल कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आप डार्क कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, आप ब्लैक भी प्रेफर कर सकते हैं, ब्लू भी प्रेफर कर सकते हैं, ब्राउन प्रेफर कर सकते हैं, पर्पल प्रेफर कर सकते हैं, तो कोई सा भी डार्क कलर आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। व्हाइट कलर को अवॉइड करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा इसके अलावा आपको और क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके अपने काम को शुरू करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी जो भी बड़े मेंबर हैं आपके घर में उनसे आप आशीर्वाद ले लीजिएगा और अपने काम को आपको शुरू करना है। एक लाल कलर का धागा ऑलरेडी आपके हाथ में बंधा हुआ रहेगा, उसे बंधा हुआ ही रहने दीजिएगा, उसको मैंने जैसे कहा था 3 दिन तक रखना है, उसके बाद ही उसको हटाना है, तो ये आपके हाथ में ज़रूर रहना चाहिए, इससे आपको सुरक्षित महसूस होगा और आपकी एनर्जी भी बैलेंस रहेगी। यहाँ पर एक और जो अचूक उपाय आपको करना है वो ये है कि अगर मौका मिल जाए पूरे दिन में, अगर पूरे दिन में मौका मिल जाए तो शाम के समय में या फिर जब भी आपको मौका मिले, और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो शनि मंदिर जाके सरसों के तेल का दिया ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लग जाएंगे और आपके जीवन के रुके हुए जो काम हैं वो कहीं ना कहीं बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल से उपाय हैं, कोई सा भी जो उपाय आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा और जो आपसे संभव हो वो आप ज़रूर से करिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।